नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं और एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य जो है चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार तीन बार अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ आने के साथ मुख्यमंत्री बनाने का जो है ऑफर कर दिया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप भी सोचते होंगे कि आखिर अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर ही दांव क्यों खेल रहे हैं। बृजेश पाठक भी है नंबर में, लेकिन आखिर केशव प्रसाद पर दांव खेलना अखिलेश यादव मुनासिब क्यों समझ रहे हैं? तो देखिए, इसको समझने के लिए साफ सीधे तौर पर आपको 2017 और 2022 दोनों का विधानसभा चुनाव को जो है बारीकी से समझना होगा। देखिए, 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय केशव प्रसाद मौर्य बगावत पर उतर गए थे और शायद अगर वो बगावत हो जाती तो भाजपा की उत्तर प्रदेश में रीढ़ टूट जाती। इसी वजह से भाजपा ने उस समय केशव प्रसाद मौर्य का किसी भी तरीके से मान मनोबल किया और उसके बाद 2022 में बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य में जो है यहां पर आपसी कलह देखने को मिला, जहां बृजेश पाठक 20 से ज्यादा विधायक के तोड़ने का दावा कर रहे थे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए, लेकिन अमित शाह के कॉल ने यह बगावत भी रोक दी थी। इस वजह से अखिलेश यादव इस बात को भली भांति भाप चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य चाहें तो उत्तर प्रदेश की सरकार को आराम से गिरा सकते हैं। इस वजह से अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यह दांव सटीक बिल्कुल लग रहा है। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो इरादे हैं वो भी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले के तुलना में अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य आज कल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करना कम कर दिया है, उसके बिल्कुल इतर वो कांग्रेस पर अभी हाथ धो करके पीछे पड़े हुए। बहरहाल, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल। बाय।